इंडिया से सुनीति चौहान। तो वो लिखती हैं कि जी अक़्वाम मुत्तहिदा की जानिब से दुनिया के इन ममालिक की फहरिस्त जारी की गई है जहाँ के लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। इस फहरिस्त में भारत हैरान कुन तौर पर अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से पीछे है। फहरिस्त में पाकिस्तान का 121वां और भारत का 136वां नंबर है। हम मईशत, तालीम व तरक्की और साइंस में भी आपसे आगे हैं, तो फिर पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो आप लोग हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं? अब मुझे अंदाज़ा नहीं है आप स्टूडेंट हो, हाउ ओल्ड यू आर। तो बेटा पहली बात तो ये है कि इंडिया से जब भी मुझे इस तरह के मैसेजेस आते हैं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं इंडियन अवाम को कभी गैर नहीं समझा, अपने ही हैं। हम में एक दरख्त की वो शाखें हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों के दरमियान ये बात करता हूँ जो अपोजिट समतों में बेशक हों लेकिन शाखें एक ही दरख्त की हैं। आज 24-25 करोड़ मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, फिर बांग्लादेश में, ये इनमें से कितने फ़ीसद होंगे जिनका अरब ओरिजिन होगा, या जिनका सेंट्रल एशियन या ईरानियन या अफगान? मोस्टली तो यहाँ के ही लोग हमारे नामों के साथ बेशुमार जो जाते हैं लफ्ज़ लिखे होते हैं। तो हमारे मसलन टीवी के स्टार थे लतीफ़ कपाडिया, फलाना राजपूत, राणा, इस बेशुमार। अच्छा मतलब वो आपके थे एक रेसलर थे वो दारा सिंह रंधावा, तो बेशुमार रंधावे मेरे दोस्त हैं। पर बेसिकली तो हमें इसका एहतराम करना चाहिए, हमें इसका ख्याल करना चाहिए। को जो सवाल आपने किया मेरे लिए भी थोड़ा सा सच्ची बात है, हैरान कुन है। मैं इंडिया गया हूँ 2-3 बार, मुझे वहाँ की रूहानी ज़िंदगी, रूहानियत का मुझे कोई इतना लंबा चौड़ा अंदाज़ा नहीं है। हम लोग चूँकि सूफीज़म में रूहानियत वगैरह में शायद ज़्यादा, या हम लोगों में वो कह लें तनात ज़्यादा है, कंटेंटमेंट ज़्यादा है। अदरवाइज सच्ची बात है आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन लाइक दिस। बड़ा ज़हीन सवाल है आपका, लेकिन मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं, मैं शायद कोई ठीक जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन जो मुझे 2-3 बातें समझ आ रही हैं, थोड़ा सा रूहानियत है, कनात है, और आई डोंट नो, डिफिकल्ट क्वेश्चन बेटा, डिफिकल्ट टू आंसर।